जैसे लोग संसद के अंदर बैठे हैं, कंगना रनौत जैसे लोग जो संसद के अंदर बैठे हैं, रमेश बिधूड़ी जैसे लोग संसद के अंदर बैठे हैं, जो हमारी माओ को कहाँ रखते हैं, हमारी माओ को क्या समझते हैं, हमारी माओ को 100 रुपये वाली महिला कहकर के उन्होंने संबोधित किया, ये कहा, और उसके लिए कोई उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो बहुत अफसोस होता है। उन्होंने, खैर मैं अगर उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहूँगी, कि अगर एक वीडियो पड़ा है आप देखिएगा ज़रूर किस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ के लिए उन्होंने क्या कहा था, बहुत मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन ऐसी वीडियोज भी सोशल मीडिया पर, ये उनकी मानसिकता है। श्रोता, कहीं ना कहीं हमें उसकी झलक आपको देखने को, क्योंकि जाहिर है ये समझ चुके हैं एजेंसियां, उस सर्वे कराया गया, सर्वे के अंदर मालूम चल गया कि अब आने वाले वक्त में हम जा रहे हैं कई स्टेटों के अंदर, चार स्टेट्स के अंदर चुनाव है, आप चारों स्टेट के अंदर इनको ये बात मालूम हो गई है कि हम हार रहे हैं। एजेंसी, सर्वे एजेंसी ने बताया कि नहीं, यहां से आप मत लड़िए, यहां से हारने के पूरे पूरे चांसेस, तो फिर उन्होंने मन वाराणसी से बनाया। लेकिन आप कह रही हैं मोदी मैजिक खत्म, लेकिन वही भाजपा के जो नेता है वो तो लगातार ये कहते नजर आते हैं कि मोदी जी के अच्छे आचरण से हम तो यूं ही जीत जाएंगे, ये सब खुश करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। और देखिए कितना मतलब लोग उनके आचरण को, जो उनका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर से आप देखिए कि अंदर के अंदर जो अंदर फूट डली हुई है वो हमें साफ देखने को मिल रही है। हम साफ देख सकते हैं कि अंदर की जो फूट जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमने देखा कि अंदर जो उनके नेता हैं, वो चाहे मैं योगी जी की बात करूँ, चाहे मैं बाकी और अंदर जो बड़े बड़े सीनियर इनके लीडर हैं उनकी बात करूँ, तो देखिए ये आरएसएस ने अपने आप को कहीं ना कहीं इस चुनाव के अंदर किनारा मुझे लगता है कि शायद किया, क्योंकि नड्डा जी का एक बयान था कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरएसएस, बजरंग दल, ये तमाम जो विंग है ये भाजपा का विंग है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खफा था, लेकिन साथ खड़ा था लेकिन खफा था। लेकिन क्या लग रहा है यूपी में लगातार देखिए बगावत की लहर चल रही है, देखिए बगावत तो चल रही है, और देखिए अब ये सरकार कितने दिन, ये बैसाखी की सरकार जो ये कहते थे कि हम बैसाखी की सरकार नहीं चाहते, वो आज बैसाखी पर ही हैं। तो देखिए ये दिन है, ये दिन देखिएगा, ये दिन भी किस तरीके से, ये बैसाखी भी किस तरीके से डगमगाएगी और ये गिरेंगे। लेकिन अब भाजपा के नेता खुद ही कह रहे हैं कि जितना भ्रष्टाचार 10 पुराने सालों में नहीं हुआ, वो 10 सालों में हो गया यूपी में। देखिए ये आप ही कह रहे हैं कि भाजपा के नेता खुद कह रहे हैं, और देखिए अभी तो रुकिए, अभी थोड़ा सा और आप इंतजार करिए, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये सारा जो भ्रष्टाचार किसको नजर नहीं आ रहा, राफेल डील को लेकर के कितना हमने शोर मचाया, कितना विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया, लेकिन अब जाहिर है ईडी सीबीआई तमाम जो एजेंसियां हैं साथ खड़ी है, तो आवाज़ कौन उठाएगा, विपक्ष आवाज़, जनता की आवाज़ लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर हमने पुरजोर तरीके से हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आप ये देखिए कि तमाम एजेंसियां किसके साथ खड़ी है, इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अभी जो बाई इलेक्शन के अंदर 13 में से हम 10 सीटें जीते, उपचुनाव के अंदर आप बताइए ना कहाँ है मोदी मैजिक। मोदी जी का पहले साथ राम भगवान ने छोड़ दिया, भोली बाबा ने भी छोड़ दिया, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से भी हार गए, देखिए बद्रीनाथ से हार गए, अभी तो देखिए काफ़ी ये सारा जो खेल है, ये जो सारी एजेंसियां मिलकर के जो चुनाव लड़ा रही हैं, अडानी अंबानी की अगर मैं बात करूं, ये मित्रों की बात करूं, तो सबने मिलकर के मोदी जी को चुनाव लड़ाने का काम किया है। हम कहां लड़ रहे थे, हम कहां खड़े थे, हमारे जो उपचुनाव हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उपचुनाव के अंदर आपने देखा कि बूथों पर किस तरीके की ज्यादती हुई, किस तरीके से जो वोट डालने आते मतदाताओं को पीटा गया, मारा गया, बाकायदा उसकी क्लिप है, बाकायदा उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, उसके बावजूद भी हम 10 सीटें जीते हैं। तो देखिए कितनी तस्वीरें आती हैं ईवीएम को लेकर के, वीवीआईपी पैड को लेकर के कितनी तस्वीरें हम सामने आती हैं, लेकिन जाहिर है कि देश के अंदर एजेंसियां जब गोद में बैठी हो तो जाहिर है कौन एक्शन, किस पर एक्शन होगा। 117 शिकायत पत्र हमारी तरफ से दिए गए थे इलेक्शन कमीशन को, किसी पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, सब समझ चुके हैं, आज इतना हर वर्ग त्रस्त हो चुका है, और अब वो स्टेप आउट कर रहा है, वो अब बोल रहा है, वो आवाज़ उठा रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन लोगों को मिलने का इस इलेक्शन के अंदर, लोकसभा इलेक्शन के अंदर काम हुआ है। अदालतें अपने आप को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट अब महसूस कर रही हैं, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चुनाव हुए, देखिए 7 रिजल्ट आने से पहले 7 न्यायाधीशों ने बाहर आकर के चिंता जताई कि नहीं इस मतदान को लेकर के उन्होंने चिंता जताई, क्यों राष्ट्रपति को उन्होंने पत्र लिखा, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाकायदा रिकॉर्डेड है, ये उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिख करके ये कहा कि हमें चिंता है इस मतदान को लेकर के, तो जाहिर है कहीं ना कहीं एजेंसियाँ किन हाथों में हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली सरकार जितनी भी सरकारें आई हैं उन सरकारों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एजेंसियाँ किसी के हाथ में हो। जो अभी बगावत चल रही है यूपी में, क्या वो हरियाणा चुनाव या फिर कहीं और चुनाव होगा उनमें भी देखने को मिलेगी? देखिए जाहिर है जो फूट पड़ी है, और हम देखिए हमें उससे मतलब नहीं, हम चाहते हैं कि जो हमारी जो
जनता के खास करके मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गिरती अर्थव्यवस्था हो, गिरता रुपया हो, ये तमाम जो इश्यूज हैं महिला सुरक्षा को लेकर के, किसानों को, कि MSP को लेकर के, आज सुनने में आ रहा है कि जो बजट आने वाला है, बजट के अंदर 23 तारीख को जो बजट आने वाला है, बजट के अंदर जो हमारा मैनिफेस्टो होता है, कहीं ना कहीं हमें उसकी झलक आपको देखने को, क्योंकि जाहिर है ये समझ चुके हैं एजेंसियां, उस सर्वे कराया गया, सर्वे के अंदर मालूम चल गया कि अब आने वाले वक्त में हम जा रहे हैं कई स्टेटों के अंदर, चार स्टेट्स के अंदर चुनाव है, आप चारों स्टेट के अंदर इनको ये बात मालूम हो गई है कि हम हार रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं चुपड़ा साफ हो रहा है, उम्मीद कर रहे हैं, होना चाहिए, हम उम्मीद कर रहे हैं, हम लगातार ये कह रहे हैं, हम लगातार सरकार को सचेत करते रहे हैं। पिछली बार जब बजट आया था तो निर्मला सीतारमण ने हलवा खिला के सबको कहा था कि नया बजट आ गया, खुशखबरी दी थी। देखिए रस्म अदायगी जो की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, देखिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक रस्म, जो एक परंपरा है, वो परंपरा कायम रहनी चाहिए। ये लोग वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो ये कुछ भी बदलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी लड़ाई क्या, हमारी लड़ाई हम किस लड़ाई को लेकर के हम चुनाव में गए थे, हम संविधान को जो खत्म करने की बात कर रहे थे जो लोग, हम उसको बचाने को लेकर के हम इस चुनाव में गए थे, और जाहिर है लोगों का हमें समर्थन मिला, जहाँ जिन जिन बूथों पर, जिन जिन जहाँ जहाँ पर भी जो भी ज्यादतियाँ हुई वो हमने देखा, वो हमारे सामने रहा, हमने शिकायतें लिखी दी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। संविधान बदलने की बात कर रही है तो कह तो रहे विजय वाले, वो तो आप लोगों ने भ्रम फैलाया था, कोई नहीं। देखिए ये पलटू राम है, कहते हैं फिर पलट जाते हैं, जुमले देते फिर तो पहले कहते हैं कि 15 लाख रुपये देंगे, फिर कहते हैं ये तो जुमला था। देखिए आज हर चीज़ की, आप देखिए, आप चाहे रेल की बात करें, आज आप नीट की बात करें, आप रोजगार बेरोजगारों की बात करें, युवाओं की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, आज मैं जिस भी वर्ग की आपके सामने बात रखूं, तो देखिए आज हर वो वर्ग जो आज हर वर्ग वो त्रस्त है, हर वर्ग ये कह रहा है कि मेरी बात कौन उठाएगा, मेरी बात कौन करेगा। हर रोज़ जिस तरीके से, अगर महिला सुरक्षा की बात करूँ, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री थी, लेकिन पिछले, आपने देखा कि चुनाव के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के अलावा कोई बात नहीं की। अब तो कुरकुरे खरीद रही है ना, 5 वाला वीडियो देखा होगा आपने, वायरल हुआ। हाँ बिल्कुल, अब सिर्फ यही रह गया है, क्योंकि उनकी जो दुकान थी वो राहुल गांधी जी की वजह से चलती थी, उनका जो सियासत थी वो सिर्फ राहुल गांधी जी की वजह से थी, अब वो सियासत। लेकिन अब कंगना रनावत तो राहुल गांधी के लिए बोल रही है ना, देखिए जब उन्होंने पार्लियामेंट में भगवान का फोटो लिया था तो कंगना रनावत ने कहा था अपमान किया, माफी मांगे राहुल गांधी। देखिए इस तरीके के लोग, दुख होता है इस तरीके के लोग संसद के अंदर पहुँच जाते हैं, बहुत ही अफसोस की बात है, जिनको देश की आज़ादी का नहीं पता, उनको लगता है देश की आज़ादी 2014 के अंदर आई। आपने देखा कि उन्हीं महिला सांसद को किस तरीके से थप्पड़ जड़ा चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, क्यों, कुलविंदर कौर जवान ने किस तरीके से उनको थप्पड़ मार करके ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने उनकी माँ का अपमान किया, 100 रुपये वाली महिला, ये मानसिकता है, ये भाजपा की मानसिकता है। तो भाजपा के हर एक सांसद, हर एक मंत्री, हर एक नेता और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की ये मानसिकता, हमने नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, हमने देखा कि किस तरीके से रमेश बिदूड़ी जैसी मानसिकता के लोग आज संसद के अंदर है। तकलीफ होती है, दुख होता है कि आज ऐसे लोग संसद के अंदर बैठे हैं, कंगना रनौत जैसे लोग जो संसद के अंदर बैठे हैं, रमेश बिदूड़ी जैसे लोग संसद के अंदर बैठे हैं, जो हमारी माओ को कहाँ रखते हैं, हमारी माओ को क्या समझते हैं, हमारी माओ को 100 रुपये वाली महिला कहकर के उन्होंने संबोधित किया, ये कहा, और उसके लिए कोई उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो बहुत अफसोस होता है। उन्होंने, खैर मैं अगर उनकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहूँगी, कि अगर एक वीडियो पड़ा है आप देखिएगा ज़रूर, किस तरीके से उन्होंने अपनी ग्रैंड माँ के लिए उन्होंने क्या कहा था, बहुत मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन ऐसी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर, ये उनकी मानसिकता है।